everyone, welcome to my channel, and today I'll tell you some games about how to improve your child's concentration and focus. आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं बेसिकली मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते. आप पढ़ाते हो, दो मिनट के लिए उनको याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? देयर आर मैनी रीजन्स. तो बेसिकली जो रीजन्स हैं वो हैं, एक पहला रीज़न है लैक ऑफ स्लीप. जी हाँ, जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, बिकॉज बेसिकली अ चाइल्ड नीड्स 9 to 10 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट. सो इफ़ हिज स्लीप इज़ नॉट कम्प्लीट, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर एंड लर्न न्यू थिंग्स फॉर हिम, एंड इट एक्चुअली कट्स द मेमोरी वर्किंग. सो वन रीज़न इज़ दिस. द अनदर रीज़न इज़ द पुअर न्यूट्रिशन, बिकॉज आवर ब्रेन नीड्स फैट एंड आवर मसल्स नीड द प्रोटीन एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड. एंड इफ अ चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग अ गुड फूड, अ बैलेंस्ड डाइट, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट हिज कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. एंड द थर्ड थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज डिहाइड्रेशन. येस, इट रिड्यूसेज द फोकस, एंड ट्रस्ट मी, इट हैपन्स. So let your child have lots of water, at least 8 to 9 glasses of water. The fourth reason, very but obvious, is the family stress. And now you will say ki bachchon ko kya stress hoga, but no, definitely kids at this age, they observe and they absorb. So be very careful. So whatever is going, whatever you are doing in front of them, you have to be very careful. And the last thing is lack of physical activity. Yes, कहते हैं ना खेलना भी ज़रूरी है. तो खेलना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज एक्चुअली इट हेल्प्स टू इम्प्रूव दी कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. और आज मैं वही आपको गेम्स बताऊंगी बेसिकली जो कि बच्चे को एक्चुअली उसका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ाएगा. सो जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप बच्चे को देते हो, जैसे बैडमिंटन दे दिया या चेस दे दिया, कुछ भी दे दिया, ट्रस्ट मी इट विल इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. सो नाउ वॉट आर द टिप्स वॉट यू कैन डू? Just enough sleep. Yes, let them sleep. It is said that till 5 years, bachche ka brain develop hota hai. Sone se. Yes, you heard me right. I am correct on this point because I read it somewhere that actually brain develops till age of 5. Tabhi bachche sote hain aur neend isliye important hai. So let them have a sound sleep and then good diet. Definitely, acha khana, plenty of water. And give them small tasks rather than giving them a big task. Please divide कर दीजिए, छोटा छोटा task दीजिए उन्हें. And बच्चों को भी अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे task complete करते हैं. They feel that thing कि oh yes, they have done it. So let them do. Then enough of physical activity. बच्चे को physical activity, खेलने कूदने दौड़ने भागने सब दीजिए. That is very important. Now reduce the distractions. जब आप बच्चे के साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, please leave your mobile, don't check your messages, कुछ मत कीजिए, just focus. Trust me, half an hour भी आप बच्चे के साथ बैठेंगे without any distractions, बच्चा definitely करेगा. Now set time to complete the goal. अब ये वाला जो point है उसमें be very careful, कहीं बच्चे को stress ना हो, बच्चा ज़्यादा pressurized feel ना करे, but definitely एक time set कीजिए. And just ask the child to complete that goal or that work within that time frame, because इससे बच्चे को थोड़ा ये पता चलेगा कि उसका speed बढ़ेगा, he will do things in a very good way. And doing homework at same hour every day. Yes, आप कहते हैं ना बच्चे का एक biological clock होता है, तो biological clock definitely होता है, because अगर मैं रोज़ अपने बच्चे को सुबह 11 बजे पढ़ाने बैठूंगी तो वो रोज़ 11 बजे उसका mind will give हिम और हर सिग्नल कि यस अब 11 बज चुके हैं, अब मुझे पढ़ना है. तो आपको, यू डोंट हैव टू वर्क दैट वेरी हार्ड विद योर चाइल्ड टू मेक देम स्टडी इफ यू फॉलो अ फिक्स्ड रूटीन एंड अ पैटर्न. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. जैसे बच्चा जब सोता है, आप दिन में उसको सुलाते हो, आपने एक टाइम फिक्स किया होगा, रोज ईजिली सो जाता है ना, या उसको नींद आ जाती है, बिकॉज उसका बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि इट्स टाइम टू स्लीप. इट द सिमिलर वे, डूइंग अ होमवर्क एट अ सेम आर एवरी डे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज हिज कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, बिकॉज हिज ऑल माइंड विल बी सेट ऑन द पॉइंट दैट ही हैज टू डू दैट. ओके, एंड देन लेट चाइल्ड हैव फन एंड प्ले. Let them play. Please don't stop your child. So basically, जो मैं आपको games बता रही हूँ 2-3, वो यही हैं. जैसे आपने एक ये zigzag बना दिया है बिल्कुल, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे coins पकड़ लीजिए या कोई भी अपनी fingers पकड़ लीजिए, just ask a kid कि उसको ऐसे ऐसे fingers यहाँ पे लाते लाते यहाँ लानी है. So this is the game. बहुत simple game है, but trust me, बहुत concentration और focus बढ़ाने वाला है.
दूसरा सी लाइक दिस. सो दिस इज द वे. सो लेट अ चाइल्ड जस्ट यू कैन आस्क देम कि ओके 100 टाइम्स और यू हैव टू डू इट 10 टाइम्स लाइक दिस. ओके नाउ द अनदर गेम इज सी लाइक दिस. यस सो दिस विल इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन. नाउ सी आई हैव मेड हियर वन मोर गेम. सो दिस इज द बटरफ्लाई एंड देन सी बिकॉज बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने क्लियरली डिफरेंट कलर से किया है बिकॉज सो दैट इट विल बी ईजी फॉर देम बट स्टिल उन्हें देखना है और घुमाना है एंड सी लाते 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 दे हैव टू जस्ट डू इट एंड देन दे विल रीच द फ्लावर. अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में है तो आप इसमें और भी रॉन्ग पाथ्स यू कैन इंक्लूड सो दैट इट विल बिकम लिटिल टफ फॉर देम टू डिकोड. बट छोटे बच्चों के लिए यूकेजी के बच्चों के लिए बेस्ट यही है कि बस लेट देम डू लाइक दिस. यस सो दे आर डूइंग इट एंड देन दे आर रीचिंग द बटरफ्लाई. सो अ बटरफ्लाई हैज टू रीच अ फ्लावर. सो वाइस वर्सा आई हैव ड्रॉन दिस. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम टू इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. दीज आर स्मॉल फ्यू गेम्स. आई विल टेल यू वन ऑफ द बुक्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज. आई विल मेक अ रिव्यू ऑफ वन ऑफ द बुक ऑफ द मेज एक्टिविटी. आई जस्ट लव दैट बुक एंड इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल एंड वन गेम इज ऑल्सो देयर. आई विल डिस्कस इट इन माई फ्यूचर वीडियोज. Okay guys, happy parenting.